अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सत्याली पे आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोग के पास एक नया रेसिपी लेके आ गई हूँ जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको तोड़ते हैं। अपना घर का ही है तो मैं एकदम सवेरे सवेरे चली गई इसको तोड़ने के लिए। और दोस्तों, इसको तोड़ते वक्त ना ये देखिए, इसका जो नेक्स्ट जनरेशन जो है ना, मतलब छोटा रहा है, ये भी पता नहीं कैसे मतलब लेट लग के तोड़ गया था। तो इसको ना आप लोग तोड़ते वक्त बड़े ध्यान से तोड़िएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आई थी एक चीज़ लेने के लिए और माशाल्लाह देखिए कितना कुछ निकल गया है। इससे भी रेसिपी बनाऊँगी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए इसको हम अब कट करते हैं। ये सब्ज़ी जो है ना, इसको हिंदी में तरुई बोलते हैं, है ना, और इंग्लिश में तो इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिज गॉर्ड बोलते हैं। और हम मतलब असामिस में इसको बोलते हैं जिग्गा। तो इससे बनाएंगे आज हम, देखिएगा कैसे बनाती हूँ फ्रेंड्स। मतलब अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट में ना खाने के तरीका भी अलग होता है। तो मतलब बचपन से मैं इसको इस तरीके से खा के बड़ी हुई, मतलब मेरी अम्मा ने इस तरीके से बना के खिलाया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी जो बहुत ही हेल्थी है। तो मैंने इसको इस तरीके से इसी साइज़ पर कट कर लिया है और इसका अंदर का जो ग्रीन वाला लेयर है ना, उसको रखना है, इसलिए मैंने चाकू से नहीं ये यूज़ की है। और ये जो छिलका है ना, इससे भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसको अब हम कट कर लेते हैं। ये जो मतलब रेसिपी है ना, ये मैंने असम, मतलब असम के बाहर किसी को बनाते वक्त, मैं भी ब्लॉग देखती हूँ लोगों की, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस पर शेयर कर लेती हूँ। तो ना फ्रेंड्स, ये जो एकदम छोटा सा जो रहता है ना, एकदम मतलब सॉफ्ट, इसको ना इसका छिलका पहले की तरह निकलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मतलब कर दोगे तो निकल जाएगा। तो ना फ्रेंड्स, मैं इसको फ़िश के साथ बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे फ़िश रख लिया है, मुझे जितना चाहिए, आप लोग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड की है और थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर के ऐड करके ना हम इसको मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके ना फ्राई कर लूँगी। तो दोस्तों, मेरा जो सब्ज़ी कट करना हो गया है कंप्लीट और फिश भी मैंने फ्राई कर ली है। और ये है थोड़ा सा प्याज का पेस्ट, इससे हम बनाएंगे। और मसाला जो लगेगा ना, मैं मतलब बनाते वक्त दिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी नहीं है, पानी से इसे बनाएंगे, ये तेल है। थोड़ा सा ऑयल को डाल के ना इस पर हम प्याज को ऐड कर देंगे। और अचानक से ना लाइट चली गई थी। तो फ्रेंड्स, इसको ना हम फ्राई करेंगे। और फ्राई, प्याज को फ्राई करते वक्त उस पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा, ताकि ये जो प्याज है ना बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाता है, फ्राई भी हो जाता है जल्दी, हो गया तो आपका गैस भी जल्दी बस मतलब सेव हो जाएगा। इतना महंगा है गैस यार, सेव होगा तो अच्छा ही होगा। तो ना पानी डाल के ना इस पर थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर, एक चम्मच, थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर आधा चम्मच की है, और एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड की है, और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं रेड चिली पाउडर को ऐड करूँगी। इस पर ज़्यादा मसाला ऐड मत कीजिएगा दोस्तों, अगर करेंगे तो उसका असली जो हेल्थ वाला जो टेस्ट है ना, हेल्थी हेल्थी, वो नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैं 2 मिनट भूनती हूँ ताकि इसका जो मसाले का थोड़ा स्मेल होता ना, वो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो ऐड की ना, वो ज़ीरा है, मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर ली है। अब हम, ये हमारा मसाला जो है ना, वो अच्छी तरह से भूनना हो गया है। अब हम इस पर जीरा को ऐड कर देंगे, यानी तरुई को ऐड कर देंगे इस पर। और इसको ना ऐड करके हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ना इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ढक्के। कोई पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है।
तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ना घर पे बना के खाइएगा, देखिएगा बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसको फिश जो है ना वो मतलब ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं या ऐसे ही खा सकते हैं, एकदम वेज खा सकते हैं। तो ना इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। देखा मैंने पानी यूज़ नहीं किया और दोस्तों मैं 5 मिनट बाद मिल रही हूँ और ये देखिए यहाँ से मतलब कितना पानी निकला है ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे एक गमले पानी डाल दी है, लेकिन मैंने तो पानी नहीं डाला, आप लोगों ने देखा है ना। तो यहाँ पे मैंने जो फ्राई किया हुआ फिश था ना उसको ऐड कर दी है। अब हम धीरे धीरे करके उसको मतलब इसको क्या करेंगे, चलाएंगे, लड़ाएंगे, जो भी हो ऐसे करेंगे, नहीं तो धीरे धीरे नहीं करेंगे तो वो मछली जो है ना तोड़ के उसका अंदर का जो काटा है ना वो निकल जाएगा। अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी को ऐड करके ना और 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं 5 मिनट बाद मिल रही हूँ और ये देखिए 10 मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता है और ज़्यादा पकाइएगा भी नहीं। और ये देखिए हमारा रेसिपी बनके एकदम तैयार है, जो बहुत ही हेल्थी दिख रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये जो रेसिपी का वीडियो है ना वो आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब खुश रहिए, सलामत रहिए।